दोस्तों हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट पैलेस होने के साथ साथ एक धार्मिक नगरी भी है, और हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका रहस्य और मान्यताएं काफ़ी अद्भुत है। हिमाचल में दोस्तों शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, शिमला से 42 किलोमीटर दूर चैल की खूबसूरत वादियों में बसा है एक ऐतिहासिक मंदिर, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी धार्मिक और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदू मंदिरों की ऐतिहासिकता और उनकी मान्यताओं को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ें। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों प्राकृतिक और धार्मिक स्थानों की कोई कमी नहीं है, यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्यता का आनंद उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में बताने वाले हैं जो अपने धार्मिक महत्व के साथ अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 42 किलोमीटर दूर चैल में है काली टिब्बा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का नाम है काली टिब्बा मंदिर। समुंदर तल से लगभग 2226 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है काली टिब्बा मंदिर। ये स्थान दोस्तों चैल में मौजूद है। काली टिब्बा मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर है माता काली का, जिसे वर्ष 2002 में बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर माता काली की पिंडी रूप में पूजा की जाती थी। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, गणेश व शिव जी के भी मंदिर हैं। काली टिब्बा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है जो देखने में एकदम अद्भुत लगता है। मंदिर में कई प्रकार के खूबसूरत पत्थर देखने को मिलती हैं। आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ काली टिब्बा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर के आसपास काफ़ी सारा मनमोहक वातावरण है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ प्रकृति ने दिल खोलकर अपनी खूबसूरती लुटाई है। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण में बैठकर मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शाम के समय यहाँ पर नज़ारा देखने लायक होता है। यह स्थान काली टिब्बा मंदिर के साथ साथ चैल महल, सिद्ध बाबा मंदिर, एशिया का सबसे ऊंचा बना क्रिकेट मैदान और पोलो के मैदान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मौजूद 115 साल पुराने चैल महल को पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था, क्योंकि यह उनकी गर्मियों की राजधानी था। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि आप काली टिब्बा मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। आपको शिमला तक का तो रास्ता पता ही होगा, उसके लिए फिर आपको चैल के लिए आगे रवाना होना पड़ेगा। चैल सड़क मार्ग के द्वारा शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। चैल तक के लिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें भी आसानी से मिल जाती हैं। और अगर दोस्तों आप रेलवे के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कालका, जो कि यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए आप आसानी से चैल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर काली टिब्बा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आगे कभी भी शिमला जाएँ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। आपको यहाँ पर इतनी शांति अनुभव होगी जिसका हम ऐसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।